निगम ने कॉलोनियों में जलभराव का लिया जायजा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को दिए निर्देश। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर, डीएम ने कॉलोनियों में जलभराव का जायजा लिया है। बारिश के चलते कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर डीएम ने अभियंताओं के साथ स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे और नगर अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। डीएम ने कॉलोनियों में जलभराव का जायजा लिया है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। और जलभराव की स्थिति का जायजा लेने डीएम पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बारिश के चलते बनी हुई थी, जिसका डीएम ने जायजा लिया है। और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर डीएम ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया और आला अधिकारियों को इस पर निर्देश दिए हैं। ये न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये गोरखपुर की तस्वीरें, जहां पर कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। बारिश के चलते कॉलोनियों में जलभराव था, जिससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लोग अपने कॉलोनियों में, अपने घरों में रहने में असमर्थ थे। उनको कई सारी समस्याएं ऐसी थी जिनका सामना करना पड़ रहा था, और कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और डीएम ने इस पर सख्ती से निर्देश दिए हैं। और राम शंकर इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम शंकर जी, जिस तरह से के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर है, डीएम ने कॉलोनियों का निरीक्षण किया और जल भराव की स्थिति का जायजा लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से पिछले 3 दिन से के न्यूज लगातार पानी को लेकर खबर दिखा रहा था और लगातार हमारी के न्यूज की टीम गोरखपुर में काम कर रही थी, जिस तरह से के न्यूज ने दिखाया है, इस पर डीएम गोरखपुर ने कल संज्ञान लेते हुए खुद 6 किलोमीटर पैदल चले और कॉलोनियों का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के शासकीय अभियंता जो प्रवीण कुमार हैं, उनसे दो टूक कहा कि चाहे नाले को लेवल में लाओ, चाहे नाला जहां नाला बनाना पड़े बनाओ, और 3 दिन के अंदर मुझे आख्या प्रस्तुत करें और सारे पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए। जी रामशंकर जी, अभी इस पर पहले जो प्रभावित लोग हैं, कॉलोनियों के जो लोग हैं, इस पर कई बार शिकायत कर चुके थे, तो जिससे शिकायत कर रहे थे वो आला अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, क्योंकि जो लोग शिकायत कर रहे थे वो नगर निगम तक अपनी शिकायत कर रहे थे और शायद हो सकता है डीएम साहब के पास ना शिकायतें पहुंच पा रही हो, लेकिन जिस तरह से की न्यूज ने लगातार 3 दिन खबरों को लगातार जारी रखा और ये कहीं ना कहीं डीएम साहब के संज्ञान में पहुंचा और डीएम साहब ने खुद जो है मोर्चा संभाला और डीएम साहब खुद निकले, खुद भ्रमण किए और सारी चीजों को देखे और लोक निर्माण विभाग को आख्या प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय मांगा और हमारी टेलीफोनिक वार्ता में डीएम साहब ने कहा हम आपको सारी चीजें सुदृढ़ करके 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट के साथ आपको फिर आगे की जानकारी देंगे। रामशंकर जी, किस तरह की कार्रवाई के निर्देश डीएम ने दिए हैं, क्योंकि के न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर है, जिस तरह से जल भराव की स्थिति लगातार सामने आ रही थी, तो किस तरह के निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डीएम साहब का सख्त निर्देश है कि चाहे नाला लेवल में करना पड़े आप लेवल में करिए, चाहे जहां रोड में पुलिया डालना पड़े वहां पुलिया डालिए, लेकिन चाहे जो भी स्थिति हो 3 दिन के अंदर पानी निकलने की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और आपको बता दें कि डीएम साहब का बिल्कुल ही कड़ा रुख था पानी को लेके और निश्चित तौर पर जो डीएम साहब ने जिस तरह से कल निरीक्षण किया वो एक बेहतरीन और सराहनीय कार्य है। बिल्कुल रामशंकर जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो गोरखपुर से खबर बता रहे हैं आपको, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, डीएम ने कॉलोनियों में जल भराव का जायजा लिया है। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़।